ट्रांसपेरेंसी एंड आई होप कि अपनी आंखों से देख के आपको क्लैरिटी आई होगी कि फीजर कंपीना एग्रो पाकिस्तान के तमाम प्रोडक्ट्स किस तरह से प्रोसेस होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि 20% दूध जो है वो मार्केट तक पहुंचता ही नहीं, जाया हो जाता है। तो अगर मैं लेट से इस लॉस को आधा कर दूं, लेट से 10% कर दूं, तो हम कोई 280 बिलियन रुपीज जो है अपनी इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऑप्शन नहीं है भाई, पूरी साइंस ये कहती है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसी पे कंपेन करती रही है, ग्लोबल जो WHO यही कहता है, तक आप टेस्टेड वेरीफाइड और दूसरा, और अगर आप ले भी आते हैं तो आप जितने मर्जी टेम्परेचर पे उसको बॉयल कर लें, 6000 पे भी बॉयल कर लें, अफलाटॉक्सिन कहीं नहीं जाने लगा। उसमें जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है या जिस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचता है इज हाईली अनसेफ। गवर्नमेंट के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, इसको मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करनी है, तो ये इंसेंटिव रिस्टोर किया जाए, दोबारा से इसको जीरो रेटिंग किया जाए, तो कंपनीज वापस इन्वेस्टमेंट शुरू होंगी। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट की जाएगी, इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा इंडस्ट्री को, या दूसरे जो नए एंट्रेंट्स हैं, नए जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है उनको अगर इंसेंटिव नहीं देंगे तो इस इंडस्ट्री की ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कहाँ से आएगी।